मेरा नाम सुनील शिंदे, मैं राष्ट्रीय मजदूर संघ का प्रेसिडेंट हूँ। यह संगठन 2000 से साल से मैंने चालू किया, अभी इसमें 75,000 वर्कर काम कर रहे हैं, मतलब मेंबर है। और मैं एक डायरेक्टर हूँ डोमेस्टिक वर्कर्स बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का। और अभी जो अपना ESIC है उसमें लेबर जो लोकल कमेटी होती है उसका मैं मेंबर हूँ। सुधीर भाई, आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरे को इधर आपने बुलाया शेयरिंग के लिए। कुछ लोग बोल रहे थे, एक इनका नाम मैं भूल गया, जोर से झगड़ा कर रहे थे, मनीलाल को थोड़ा डिसअपॉइंट हुए थे। किसी ने पीछे से बोला मैं सस्पेंडेड हूँ, मेरे साथी इधर बैठे हैं, मेरे को पता चला सस्पेंडेड करके मैं पीट इनकी तपता भाई, क्योंकि मैं भी एक सस्पेंडेड वर्कर था, तभी जाके मैं इधर लड़ाई लड़के आ गया। मैं सस्पेंड हुआ, मेरे को मेमो मिले, क्यों मिले? रोज के दिन मेरे को मेमो मिलता था काम जाते समय, आप जगह से उठे क्यों, खिले क्यों, उधर गए क्यों? बाकी सब लोग आते थे, ये यूनियन का काम कर रहा है, मैनेजमेंट बोलती थी जगह छोड़ा, इसको मेमो करो। फिर मैं गेट मीटिंग लिया, सस्पेंड हो गया, 3-4 बार चार्जशीट हो गया, फिर डिसमिसल शोकॉज मिला, तब वो बाकी मैं लीडर बना। तो ये क्वालिफिकेशन होता है पहला लीडर का, सस्पेंस हो जाओ, कुछ आस्था हो जाए फिर जाओ। 13-14 बार जेल जा चुका हूँ, बाहर आ चुका हूँ, ये सब लड़ाई लड़के अभी इतना बड़ा संगठन खड़ा हो गया है। तो मैं आपको एक जानकारी दूंगा कि मेरा एक भ्रम था कि गुजरात में कुछ सब ठीक चल रहा है। बाहर जो हम लोग दिल्ली में किधर भी प्रेजेंटेशन आते थे, आपके लेबर कमिश्नर इधर से जो भी आता था वो बोलता था गुजरात शांत है। तो आज मेरे को मालूम पड़ा क्या शांत है, जो सुबह का जो रिपोर्ट था वो आई ओपनिंग रिपोर्ट था कि क्या हालात है इधर के। तो हालात ये है कि कुछ नहीं मिल रहा है, बावजूद हम शांति बनाए हुए बैठे हैं। तो ये अपना ये तकलीफ किसका है, गलती किसका है? गलती अन्याय करने वालों से ज्यादा अन्याय सहने वाले का गलती ज्यादा है, ये ध्यान में रखिए। मेरा मानना ये है कि अभी देखो, अभी किसी ने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट के लोग है, किसी ने और कुछ बोला, दो तरह का अभी सिचुएशन है। एक सिचुएशन ये है कि जितने भी मजदूर है देश के अंदर के, वो उसका संगठन छोड़ चुके, संगठन की तरफ नहीं जा रहे, खुद शांति बैठ रहे, अन्याय सह रहे। दूसरी तरफ जितने भी मालिक है, वो मालिक का संगठन मजबूत होता जा रहा है। इंजीनियरिंग कंपनी के मालिक देश का एक संगठन बना हुआ है, प्लास्टिक कंपनी के मालिक उनका देश का संगठन बना हुआ है, किसी केमिकल कंपनी के मालिक उनका संगठन बना हुआ है, ये सभी तरीके जो मालिक है उसका संगठन बना हुआ है। वो संगठित हो रहे मालिक और जाके रिप्रेजेंटेशन दे रहे गवर्नमेंट को कि भाई लॉ को बदलो, ये फलाना चीज करो, ये करो, उनके तरफ जो चाहिए वो करने पे तुले हैं। दूसरी तरफ हमारे जो मजदूर संगठन है वो संगठित होने के बजाय, अभी तो प्रयास हो रहा है, सब लोग साथ में आ रहे हैं, नेशनल लेवल पे भी अच्छा कोऑर्डिनेशन हो रहा है, मैं भी उसमें से एक पार्ट हूँ, लेकिन वो जितना फोर्सफुली आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल के ऊपर हम संगठित नहीं हो रहे। हम क्यों बैठे हैं, जो नेगेटिव एग्जाम्पल है वो लेके हम आगे जाते हैं। मैं काम करने गया, हक की लड़ाई की, सस्पेंड हो गया। मैं कुछ फलाना चीज मांगा, लेबर लॉ का तरफ मेरे को सैलरी चाहिए, ऐसा बोला, मेरे ऊपर कार्रवाई हुई। तो इसको लेके हम बैठ रहे, ये कदापि ध्यान में रखो कि आपको इसके खिलाफ संगठित होके आवाज उठानी ही होगी, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब जाके सक्सेस आपको मिलेगा। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूंगा कि जो मेरे संगठन से जुड़े हैं। एक स्टेडियम है पुणे में जो बना हुआ है, वो स्टेडियम के काम करने वाले जो मजदूर थे 100 से ज्यादा 114 थे, वो उनको परमानेंसी का एक मसला था, गवर्नमेंट कांग्रेस का था, मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, मेरे पार्टी के खिलाफ ही मेरे को लड़ना पड़ा, रस्ते पे लड़ाई हुआ, मिनिस्टर को घेराव डालने का हो गया, लोग सस्पेंड हो गए, फिर आ गए, मोर्चा हुआ, धरना हुआ, फिर कोर्ट में गए, कोर्ट में 15 साल मेरे को लड़ाई लड़ना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से मेरे को वर्डिक्ट आ गया कि इसको इनको परमानेंट होना चाहिए, और कर दिया। अभी गवर्नमेंट हमारा होते हुए महाराष्ट्र में हमारे गवर्नमेंट के खिलाफ मैंने कंटेम्प्ट पिटीशन डाला, उसमें सक्सेस होके अभी सभी के सभी वर्कर परमानेंट वहां पे हो गए। जो 3000 का पेमेंट लेते थे, अभी वो सभी 25,000 सैलरी लेके महाराष्ट्र शासन का बोर्ड लगा के उधर घूम रहे। तो मतलब ये क्या साबित करता है, 15 साल की लड़ाई कोई आसान बात नहीं, 1-2 दिन का सवाल नहीं। तो आप भी ध्यान में रखिए कि आप बहुत लोगों का इंप्रेशन क्या है यूनियन के बारे में। आज मैं आ गया, यूनियन का फॉर्म भर गया, कल मेरे को सैलरी ठीक ढंग से मिलना चाहिए, सब लेबर लॉ मेरे को मिलना चाहिए, मेरे को अच्छा वेजेस मिलना चाहिए, मालिक मेरे को नमस्कार करने मेरे घर पे आना चाहिए। जिस दिन हम फॉर्म भरते हैं उसी दिन हमारा ये तरीका होता है, नजरिया होता है देखने का। ये बात करिए,
किसी चीज में आसान हो सकता है, नजदीक हो सकता है, लेकिन आपको लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए अभी क्या क्या हो रहा है, अभी आपके सामने जो है, अभी मंदी का हालत है, फिर ऑटोमेशन आ गया है, ऑटोमेशन का बहुत जमाना है, उसको तो आपको फेस करना पड़ेगा, फिर बेकारी है अभी, फिर उसके बाद में कॉन्ट्रैक्ट लेबर का इश्यू तो है ही, फिर अभी सरकार का सपोर्ट जो है पूरी, पहले सरकारें प्लेन थी ना, इधर की थी, मजदूर की तरफ थी ना मालिक की तरफ थी, लेकिन अभी कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी का हो, मैं दावे के साथ यहाँ पे पेश करता हूँ कि सभी सरकारें झुकी है अभी मालिक की तरफ, अपने तरफ कोई किसी का झुकाव नहीं है, फिर भी कायदा जो है, लॉ है, वो बदलने का सब सोच रहे कि बहुत हार्ड है, बोलते कायदा इंडिया में बहुत हार्ड है, लेबर लॉ उसको लूज करना पड़ेगा। अभी ये क्यों हो रहा है, बात क्यों हो रहा है कायदे का, जो अभी आपका सुबह का जो प्रेजेंटेशन दिखा रहा था, यहाँ पे मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है, पीएफ का फैसिलिटी नहीं, ईएसआई का फैसिलिटी नहीं, मैटरनिटी लीव नहीं, बोनस नहीं, ये होते हुए भी, लॉ होते हुए भी ये नहीं है, तो जो प्रेजेंट लॉ है उसको लॉस करने के बाद उसको अगर हल्का करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, नहीं कुछ मिलने वाला है। ये कौन कर रहा है सब, ये सब मालिक मिलके इकट्ठा होके गवर्नमेंट को ये बोल रहे कि ये चीज से हटाओ, तब जाके ये सब होगा। फिर मालिक का संगठन का तो मैं बोल दिया, पुलिस का हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है इसके अंदर, और लोकल जो गुंडाइज्म है उसका हक जाता है, और मैं खास करके सभी मेरे भाइयों को एक मतलब सलाह दूंगा मेरी कि हम लोग क्या करते हैं, गलती किधर कर बैठे हैं, यूनियन का काम कुछ हो गया, कुछ आपत्ति हमको आ गई, तुरंत हम स्थानीय नेता के पास जाते हैं, वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, वो कोई सही ढंग का काम नहीं होता है, कोई भी लेबर हो, कोई अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बहुतांश मामले में 90% से ज़्यादा लोग जिसको मालूम ही नहीं है क्या चीज़ है ये लेबर लॉ क्या है, लेबर का फैक्ट क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वो क्या सुलझाएगा। जिस डॉक्टर को मालूम ही नहीं है क्या इलाज करना है, उसके पास आप जाओगे तो आप गलती कर बैठोगे, तो आपको इसी सब हालात से अगर ऊपर आना है तो आपको सही संगठन बनाना है, यूनियन बनाना है, यूनियन बना के सही लीडर को चुनना है और सही संगठन को लेके आपको आगे जाना है। आप नहीं करोगे, आप गलती कर बैठोगे तो नुकसान तो अपना होना ही। अभी आप और भी जितने भी लॉ है अभी उसके अंदर गवर्नमेंट ने पहले से ही अभी एक सर्कुलर निकाल के रखा है, क्या है, आप गवर्नमेंट के ऑफिस में अभी जो भी है, आपका मैटरनिटी बेनिफिट नहीं मिला, लीव नहीं मिला, बोनस नहीं मिला, वीकली ऑफ नहीं मिला, तो हम जाएंगे किधर, कंप्लेंट तो हमारा लेबर कमीशन ऑफिस जाएगा, या तो पीएफ के ऑफिस जाएगा, ईएसआईसी का तो ईएसआईसी का ऑफिस जाएगा, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट का है तो फिर लेबर ऑफिस में जाएगा। तो ये सभी जो गवर्नमेंट मशीनरी है, गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार ने पहले से जीआर निकाल के रखा है कि ऐसा कोई भी मामला आया, कंप्लेंट आया, तो इंस्पेक्शन करने के लिए मत जाओ, आप जाओ उधर तो मालिक को सपोर्ट करे, उसको कैसा काम करे उसको सहायता करो, ऐसा सर्कुलर उसने निकाला। ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है क्यों, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है, हम लोग शांति से बैठे हुए हैं। कि आज सामने हम देखते हैं किसी को सस्पेंड किया, उसको बाजू से देख रहे, उसको ना हम सपोर्ट कर रहे, ना उसके साथ में खड़े हो रहे, ना उसके साथ उसको सहानुभूति जताने के लिए हम जा रहे, तो इसका जो फायदा है, ये फायदा सब गवर्नमेंट निकाल रही है या मालिक भी निकाल रहे हैं। उनका तो देखो अभी ऐसा है, कोई भी इंडस्ट्री आएगा, अभी गुजरात में इधर बहुत सारा इंडस्ट्री का बोलबाला बन गया, इधर आओ गुजरात में आओ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे सरकार, लेकिन जो मजदूर यहाँ का है उसके ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं इसके बारे में कोई गवर्नमेंट बात नहीं कर रहा है, कोई मशीनरी बात नहीं कर रहा है। इसीलिए हमको यूनियन बनाना पड़ेगा, हमको खुद की लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा, हमको आगे लाके आगे आके ये सब लड़ाई करनी पड़ेगी। अगर हम नहीं करेंगे तो हमको संवरने वाला कोई नहीं है। आज हम गए, बाद में और कोई जाएगा, उसके बाद में और कोई जाएगा, हमारी पीढ़ियां सब मजदूर की बर्बाद हो जाएगी, उसके जिम्मेवार हम होंगे। इसलिए आज हमको खड़ा रहना पड़ेगा, इसके ऊपर आवाज उठाना पड़ेगा, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और एक ध्यान में रखिए, सही लड़ाई आप लड़ो तो जीत आपकी है, गलती कर बैठो तो फेल्योर आपका है। कोई भी जिंदगी की लड़ाई में जब हम कोई गलत डिसीजन लेते हैं तभी हारना पड़ता है। तो इधर तो हम लोग अगर यूनियन में काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको सही ढंग से उधर आके वो काम करने पड़ेंगे। उसके एग्जाम्पल तो मैं बहुत सारे दे सकता हूँ, लेकिन सुधीर जी मेरे को थोड़ा बोल देना, जब मेरा टाइम खत्म हो जाए मेरे को बोल देना कि मेरा टाइम 5 मिनट ओके। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे पास है,
डोमेस्टिक वर्कर का तो हमारा बड़ा संगठन है, कंस्ट्रक्शन वर्कर का है, सिक्योरिटी गार्ड का है। सिक्योरिटी गार्ड का संगठन में भी हम लोग क्या करते, लोग बोलते बाहर से मैं आया हूँ साहब, झारखंड से आया, मैं यूपी से आया, इधर से आया, पूना में हमारे बहुत सारे लोग माइग्रेंट है। लेकिन उनको जब संगठित करते हैं, एक एक को हम जाके बोलते हैं कि भाई ये फायदा है तेरा, ये फायदा है, और उसको जब मिलने लगता है वो सब चीज, तो फिर संगठित होने का काम चालू होता है। लेकिन और भी एक चीज है जिसको कुछ मिला नहीं, हमारे वर्कर में भी कुछ अभी थोड़ा मतलब असमंजस का तरह वातावरण भी है। आके तुरंत सब चाहिए, आज चाहिए, अभी अभी आज का दौर तो राजू जी बदला हुआ है। आज हमको जब वर्कर देखते हैं हमारे ऊपर, तो आते आज ऑफिस में बोलते आपका फॉर्म भर गया, अभी यूनियन बन गया, पेमेंट कब बढ़ेगा, राइज कब मिलेगा, ये कब होगा, और कितने दिन में होगा, इतने दिन में होगा क्या, नहीं होगा तो क्या। अभी आंदोलन का भी तो कुछ गड़बड़ है हमारा, आंदोलन में लोग बोलेंगे आज चलो जोर से लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं। अभी मेरे जैसे आदमी को जो मैं सस्पेंड हो चुका, डिसमिस हो चुका, 14 बार जेल में जा चुका, आज की तारीख में भी कोई आके बोलता है सर थोड़ा फाइट करना पड़ेगा, आप थोड़ी शांति से बात कर रहे, अभी मैच्योरिटी तो दिखाना पड़ता है। अभी यूनियन के बाद ये तो यूनियन का काम है ना, बहुत स्किलफुल काम है। ऐसा मत समझो उसको कि ये कोई आया खड़ा हो गया, जोरदार भाषण किया या गुंडाइज्म किया, दरवाजे पे लात मारा, मालिक को गाली दिया, फिर बड़ा लीडर बन गया, कदापि नहीं। यूनियन लीडर या यूनियन बनाना ये स्ट्रेटेजिकल है, प्लानिंग है, उसके ऊपर अभ्यास करके पूरा स्टडी करके आपको जाना पड़ेगा। जब यूनियन बनता भी है तो मस्ती दिखाने का काम नहीं करने का, अगर वो कर दिए फिर भी गलती कर बैठे आप, आपको वो मालिक को एश्योरेंस भी देना पड़ता कि भाई हम लोग आए हैं, वी आर स्ट्रॉन्ग, खराब करने के नहीं आए, आपका कंपनी बढ़ाने के लिए आए। हमारा प्रिंसिपल क्या है, हम जब जाते हैं किसी मालिक को मिलने को, बोलते हैं साहब यूनियन बन गया यूनियन, लेकिन आपका कंपनी जितना प्रॉफिट है पहला हम बात करेंगे प्रॉफिट कैसे बढ़े, आपके जेब में पैसा कैसे आए इसके ऊपर बात करते हैं। अगर आपके जेब में पैसा आया तो फिर हमारे वर्कर को देने को क्या दिक्कत है आपको, फिर उसमें से थोड़ा सा हमको दो, हमारे हक का हमको दो, तो ऐसा भी निकाल के काम करना पड़ता है। मतलब यूनियन बनाने का चैलेंज तो है, लेकिन चलाने का और भी चैलेंज है। और सस्टेनेबल मेंबरशिप आजकल तो हमारा है, आज एक एग्रीमेंट कर दिया, दूसरे एग्रीमेंट में लोग गायब भी हो जाते, तीसरे एग्रीमेंट बोलते हैं अभी थोड़ा और बढ़ाओ, फिर चौथी जगह पे जाते, तो ये सब इशू इसके ऊपर है। लेकिन मैं आपको इतना ही यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, आपको सही ढंग से भापना पड़ेगा आपका इशू क्या है और इसके ऊपर हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए से क्या नहीं करना चाहिए वो ज़्यादा देखो। वायलेंस के ऊपर कभी भरोसा मत करो, पथराव करो, मारो, किसी को पीटो, ये कभी भी नहीं हो सकता। जिधर भी वायलेंस हो गया वो आंदोलन खत्म हो गया, वो यूनियन खत्म हो गई उधर ही, तो ये कभी मत करो। आप अपने पास कायदे से बहुत सारे प्रावधान हैं, उसका उपयोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, और वो सही ढंग से आप करोगे जीत आपकी 100% है, 100% जीत आपकी होगी, कभी भी आपको फेल्यूर नहीं आएगा। और एक आध जगह पे अगर होता भी है, हादसा कुछ हो गया, समझो लोगों को रिटर्न नहीं हुआ, कुछ गड़बड़ हो गया, नौकरी से जाना पड़ा, फिर हाथ धो के घर पर मत बैठो, आपको काम करना पड़ेगा, आपको आगे जाना पड़ेगा। आपके एक्सपीरियंस जो है खराब भी एक्सपीरियंस आ गए हैं तो बाकी लोगों के साथ बांटो कि भाई ये चीज़ हमने करी और इधर हमारा ये फेल्यूर हो गया तो हम इधर पे अटक गए। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हमारा डोमेस्टिक वर्कर्स का है, उसके अंदर 20 साल से मैं डोमेस्टिक वर्कर के लिए काम कर रहा हूँ, घरेलू महिला जो होती है भाई हमारी, घर में बर्तन मांजने के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मेरे को पार्टी ने ऑफिस दिया कांग्रेस भवन में, उसमें हमारे मिनिस्टर के सामने मैं नारे लगाता था, तो एक बार तो पार्टी मीटिंग में मेरे को निष्कासित करने का भी तय हो गया कि ये क्या चल रहा है तेरा, ये तो पार्टी में रहे, ये तो संगठन चला। मैं तो बोला मेरा संगठन पहला है, पार्टी बाद में है, पार्टी को जो करना है डिसीजन ले लो, लेकिन हमारे वर्कर के लिए ये घर में जो झाड़ू पोछा लगाती है उनके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। जब हमारे CM साहब वही थे तो फिर सोच में आगे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जुलूस भी निकलते थे, हजार हजार, दो दो हजार भाई लोग निकलते थे, रैली में 6,000 महिलाएं आती थी। हमारा ये कहना था कि भाई PF ESI फैसिलिटी सब मिलता है वर्कर को जो काम करता है, हम भी काम करते हैं, हमको ये क्यों नहीं, हमको भी ये मिलना चाहिए। तब जाके गवर्नमेंट ने वेलफेयर बोर्ड बना दिया और मेरे को ही बुला के मेरे को ही उस ऊपर डायरेक्टर बना दिया। फिर मैंने उसके स्कीम भी करी, फिर बाद में बड़ा भी हो, लेकिन बाद का मतलब मैटरनिटी बेनिफिट हमने देना चालू कर दिया, फिर जनश्री बीमा योजना लागू किया, फिर फ्यूनरल बेनिफिट हमने दे दिया, मतलब
किसी भी घर में अगर जन्म होता है डोमेस्टिक वर्कर के घर में, तो उसको 5,000 रुपये का हमने प्रावधान किया था, और भी कुछ वन टाइम बेनिफिट हमने 10,000 दिया था, तो उससे अभी संगठना तो मजबूत हुई। कंस्ट्रक्शन वर्कर में भी ऐसा ही है। तो मेरा मानना इतना है कि अभी आपको ध्यान दे के संगठन बनाना चाहिए, संगठित हो जाओ, और ये मत सोचो, एक सोच तो और है, कुछ लोग अफवाहें फैलाने में बहुत माहिर होते हैं, वो उनका क्या होता है, उसका कैसे खराब हो गया, उसने यूनियन बनाया या मालिक के खिलाफ आवाज़ उठाया और वो घर बैठ गया, देखो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलने वालों से बचना, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना सीखो, शांति से मत बैठो, ये भारत की भूमि है, भारत की भूमि अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी है, और महात्मा गांधी यहीं के गुजरात के थे, शांति का मार्ग उन्हें उन्होंने अपने को अहिंसा का मार्ग सिखाया है, और वही अपना आत्मा है, वही भारत की जड़ है, वो लेके संगठन में सही ढंग से आप आगे जाओगे, जीत आपकी 100 गुना उधर है। तो आप लड़ाई लड़ो, हम भी आपके साथ में हैं, कटियार भाई आप जब भी बुलाओ हम आपके साथ में, जो भी इशू हो उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन एक लास्ट लाइन बोल के मैं ख़त्म करता हूँ कि आपको जिस इशू के ऊपर काम कर रहे हैं उसको लाइटली मत लो। यूनियन बनाया, जिंदाबाद किया, तुरंत रिजल्ट आएगा नहीं होगा, पहले भांपो, उसको समझो क्या करना चाहिए, उसके ऊपर सोच बनाओ, प्लान बनाओ, और प्लानिंग के तहत आप जाओ, जो भी हो, 10 लोग हो, 20 लोग हो, 100 लोग हो, या 4,000 लोग हो, प्लानिंग आपका अगर परफेक्ट है, क्या से क्या होगा, क्या से क्या होगा, ये आप पहले से अगर तय होगा तो लड़ाई आपकी, जीत आपकी 100% है। મારું નામ કૌશિક પટેલ છે, હું સેન્ગ્રે સ્ટાઇલ્સમાં છેલ્લા 6 વર્ષથી કામ કરું છું, કરતો હતો, અને અમને 4 વર્ષ થઈ ગયા અમે યુનિયન બનાવેલું છે, એમાં અમને છેલ્લા 7 મહિનાથી 200 વર્કર અમે યુનિયનમાં હતા। જબ મેરી બાત હોઈ થી કૌશિક ભાઈ સે તો ઓર ભી જન થે તો ઉન્હોને બતાયા કે કૈસે લોગ વાપસ આયે, જૈસે 190 વર્કર્સ થે જો ડાયરેક્ટ કોન્ટ્રાક્ટ મેં જો લોગ થે, ઉન લોગોને આકે અપની માંગો કો આગે રખા, और जिस समय में काम कर रहे थे तो उसमें 10 घंटे रोज काम होता था और एक छुट्टी मिलती थी महीने की। कि अगर कौशिक भाई आप आगे ऐड करना चाहें कि 2016 से पहले और 2016 के बाद एक मैनेजमेंट में चेंज भी आया, उससे पहले तक जो मुझे बताया गया कि उस टाइम तक जो मजदूर भाई थे वो जाके अपनी बात रख सकते थे मैनेजमेंट के साथ, लेकिन जब ये मैनेजमेंट में चेंज आया और ये इस चेंज के बाद जो उन्हें काफ़ी दिक्कतें महसूस होनी शुरू हुई, जैसे उनको पगार वक्त पे ना मिलना, जैसे मैंने कहा कि 10 घंटे काम करवाना, और सुविधाएं भी नहीं थी, जो टॉयलेट की, पानी की सुविधा बिल्कुल नहीं थी, टॉयलेट जाने के ऊपर प्रतिबंध था, आने जाने के प्रतिबंध था, तो इन सब को लेकर और एक तरीके से जैसे जो 2016 के बाद एक जैसे ब्रूइंग थोड़ा सा शुरुआत कि लोगों को लगने लगा कि हाँ कि यहाँ पर बात नहीं सुने जा रही है, तो वहाँ पर धीरे 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 संगठित होना शुरू किया। और उसके बाद ये फरवरी 2019 में सबसे पहला इनका इन्होंने आके स्ट्राइक करी, जो एक बड़ी स्ट्राइक थी, और उसके बाद 2019 तक इन्होंने 5 स्ट्राइक, और उसमें जो 3 उनकी मेजर डिमांड थी, एक थी कि कंप्लीट मेडिकल असिस्टेंस हो एक्सीडेंट के मामलों में, जैसे कह रहे हैं कि टाइल्स की फैक्ट्री थी तो एक्सीडेंट्स होते रहते थे, तो तब तक उनको मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिलती थी, तो एक डिमांड ये थी कि मेडिकल असिस्टेंस मिले, फुल कवरेज, तब तक सिर्फ 50% दिया जाता था जब ये लोग स्ट्राइक पे गए। दूसरा था कि टाइम पे सैलरी मिले, तब तक 2019 तक हर 2-3 महीने की सैलरी एक साथ दे रहे थे, लेट दे रहे थे, वर्कर्स बार बार ये अपनी मांग पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे कि आप हमको टाइम पे सैलरी दीजिए, क्योंकि नहीं दे रहे थे, 2 से 3 साल हो गए थे, वो जैसे एक तरीके से पूरा मोमेंटम खड़ा हुआ, जिसपे फिर वर्कर्स ने डिसाइड किया भाई कि जब तक हमको नहीं देंगे टाइम पे सैलरी हम अब आगे काम नहीं करेंगे। और तीसरी बात जो मेजर थी वो थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस तरीके से रिवाइज किया जाए जिससे वेज और अलाउंसेस में बढ़ोतरी हो। उसके अलावा इसके अलावा जो उनको हुआ, जो मिला, वो ये था कि बेसिक पे में इंक्रीज हुआ। अगर कौशिक भाई मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो तो आप प्लीज ऐड करिएगा कि बेसिक पे में इंक्रीज हुआ, ड्यूनेस अलाउंस मिला, हाउस रेंट भी मिला।
मेरा नाम वाघेला पीपू सिंह है। मैं 2004 साल से हिटाची में कॉन्ट्रैक्टर पे काम करता था और वहां पे लेबरों का बहुत सारा शोषण होता था पहले भी, कि बोनस वो सब नहीं देने का बराबर दीपावली पे। बाद में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर के फिर भी काम कर रहे थे तो 2011 में हमारे 10 साथी जो फिक्स टर्म पे जॉब पे रखे हुए थे तो उसको 10 को निकाल दिया कंपनी ने जॉब से बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो वो 10 लोग फिर हमारे पास आए कि भिखू जी ऐसा ऐसा बात है कि हमको नौकरी से निकाल दिया और बोल दिया कल से आना मत बराबर। तो मैंने फिर सोचा कि आज तुम्हारे साथ हुआ है कल हम लोगों के साथ हुआ फिर दूसरे के साथ बराबर। तो मैंने फिर शाम को इसी दिन हमने सभी कामदार भाइयों को संगठित करके मीटिंग किया कि भाई इसके सामने हमको आवाज उठाना चाहिए वरना ये सभी को ये करके निकाल देंगे और नए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को लाएंगे। फिर हम लोगों ने उसी दिन तय कर लिया और सवेरे हम सभी कामदार भाई हड़ताल पे बैठ गए और अमरीश भाई जो गुजरात मजदूर सभा के जो सेक्रेटरी है उससे बातचीत हुआ हमारा कि सर हमको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है और हमारे 10 साथी को जॉब से निकाल दिया हुआ है और हमको कायमी नौकरी चाहिए, इसके लिए हम लड़ने के लिए सभी साथी लोग तैयार हैं। फिर हमने उसी दिन से हमारा 3 महीने तक नॉन स्टॉप कंपनी के सामने भूख हड़ताल पे हम लोग बैठे थे और कंपनी में जो संगठन है वो टूटने के लिए बहुत सारे पॉलिटिकल जो आदमी है नितिन भाई पटेल करके अपने गुजरात के नायब मुख्यमंत्री वो सबको भी बीच में लाए। फिर नितिन पटेल के साथ हमारा मीटिंग हुआ परी उसके ऑफिस पे, बोलता है कि भाई तुम लोग ये छोड़ दो वरना तुम सबको भगा देंगे हम लोग यहाँ से। पुलिस का भी डर दिखाया कि भाई ऐसा ऐसा है और किसी को हम यहाँ पे रहने नहीं देंगे। और बहुत सारे ऐसे पहले भी इंडियन हुए थे 87 की ईयर में तो वो लोगों ने ऐसा करके बहुत सारे कैंप बंद करवा दिए। तो मैंने भी नितिन भाई को बोला कि चलो हम लोग अभी जो ये यूनियन हम लोग बना रहे वो हम रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, आप हमको सबको परमानेंट नौकरी दिलवा दो। तो उसने बोला ऐसा नहीं हो सकता है। तो हमने फिर बोला कि आप नहीं कर सकते तो आप बीच में मत आओ, हम जो भी होता है वो लड़के ले लेंगे कंपनी के पास से। फिर 3 महीने के बाद क्या होगा कंपनी पूरा ब्लास्ट हो गया हमारा हिताची और काफी सभी वर्कर को भी हुआ कि अभी हमारा जॉब का क्या होगा, कंपनी पूरा ब्लास्ट हो गया हम लोगों का क्या होगा, जॉब का ये है वो है। फिर हमने अपने सभी कामदार भाइयों को बोला कि आप घबराओ मत कुछ ना कुछ निकालेंगे, ब्लास्ट यानी कि फायर हो गया पूरा कंपनी जल गया, पूरा कंपनी जल गया बराबर। तो फिर सभी कामदार भाई को समझाया कि अभी केस तो चालू है अपना आगे देखते क्या होता है। फिर 3 महीने के बाद कंपनी 3 महीने में फिर से बना दिया नया, जो जापानी कंपनी थी हिटाची करके है तो वो लोगों ने फिर से नया कंपनी बना दिया। तो सभी कारीगरों को उम्मीद हुआ कि भाई अभी हमारा जॉब वापस लग सकता है। फिर हमको 2012 में हमने जो स्ट्राइक पे बैठे थे उसके बाद में हमारे 5 महीने के बाद 140 बंदे को कंपनी लेने के लिए अंदर तैयार हो गए कि भाई हमको हम जो भी अभी जो फिक्स टर्म पे थे जो लोग ठीक है उसको ले लेते हैं अपनी जॉब पे, बाकी काम बाद में सोचते हैं। तो एक उम्मीद की जो किरण होती है वो दिखाई दी कि भाई चलो 140 तो गए तो अभी उसको जाने दो, बाकी हम जो भी बाहर बैठे हैं 440 लोग थे हम टोटल, तो वो हम 440 वो 140 को अंदर जाने दिए कि चलो उसका जॉब शुरू हो जाता है तो हम लोग पास में जाएंगे, ऐसा करके हमने स्ट्राइक नॉन स्टॉप चालू रखा। फिर 2012 के 13 तारीख उसके बाद हम सभी को अंदर कंपनी में जॉब वापिस बुलवा लिया और ऐसे तरीके से हमारा संघर्ष कम से कम 7 महीने तक नॉन स्टॉप चला और अभी कंपनी सभी सेफ्टी इक्विपमेंट है और सभी जो भी अपना हमारा जो हक है वो सभी हमको कंपनी देती है। मगर दिया जब हमने 7 महीना उसके सामने स्ट्राइक किया पूरा लड़त किया, बाद में उसने कंपनी ने मान लिया कि ये लोग टूटने वाले नहीं है किसी भी हालत में, तब जाके हमारा जो स्ट्राइक है जो संगठन है वो बाद में मजबूत
कराची में, वो कुछ चीजें जो लेके आया सामने वो ये था कि जैसे संजय भाई ने भी कहा, एक तो था वर्कर्स के लीडर के, अपने लीडर्स के ऊपर भरोसा और लीडर्स के अपने वर्कर्स को लेके एक कमिटमेंट, और ये पूरे इसमें जो पूरा अनुभव था उसमें वही दर्शा रहा था कि कैसे, और ये लीडर्स भी अपने हर अलग अलग डिपार्टमेंट के, इन लीडर्स में मतलब अगर 5 लीडर्स थे उनमें भी एक अजब एक अलग सा कोलैबोरेशन था, अगर हर कोई एक डिपार्टमेंट से आ रहा था वो अपने साथ उस डिपार्टमेंट की वैसी इन्फॉर्मेशन लेके आता था जिसे वो एक साथ ला के, जो एक स्ट्रैटेजी थी वो हमको यहाँ से स्ट्रैटेजी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो सीखने को मिलती है कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग मुद्दे लाता था, जैसे प्रोडक्शन जो फ्लोर पे काम करता है वो बता रहा था कि हमारा इतना प्रोडक्शन हुआ है, तो दूसरी साइड से कोई और कोई क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन ला रहा था जिसके बुनियाद पे वो लोग एक साथ ला के और फिर आर्ग्यू करते हैं कि हाँ हम इतनी सैलरी इंक्रीज या वेज इंक्रीज मांग सकते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, पूरा प्रोटेस्ट नॉन वायलेंट था, तो वर्कर्स बार बार कहते कि जो हम डिस्कशन से भी आया कि अगर हमारे वर्कर, अगर हमारे लीडर्स ने हमको कहा कि नॉन वायलेंट रहेगा तो हम हिंसा नहीं करेंगे, तो अगेन कि ये कैसा एक फुल जो भरोसा था लीडर्स पे कि जैसे हमारे लीडर्स कह रहे हैं हम वैसे ही करेंगे, तो उनकी समझ के ऊपर पूरा भरोसा था। और वर्कर्स में भी, जो आपस में जो वर्कर्स थे उनमें भी एक जो अटूट एक विश्वास था, समझ थी, और अपने वर्कर्स के लिए जो जैसे वो भीखू भाई और संजय भाई दोनों ने बताया कि कुछ लोगों को, जैसे 140 लोगों को पहले मिला कि एफटीई मिलेगा, लेकिन उन्होंने ये ना देखे कि हम ले लें और बाकी सब रह जाए, उन्होंने कहा नहीं हम भी नहीं लेंगे, हम सब एक साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे मजबूती जो थी संगठन की बनी और पूरा जो संघर्ष था वो और मजबूत हुआ। तो ये कुछ चीजें जो मुझे लगता है हिताची के जो स्ट्रगल में बहुत ही इम्पोर्टेंट गुजरात में किस तरह से चल रही है, और संजय जी ने भी बताया कि जब हम सुनते थे कि गुजरात में सब ठीक है, और हम जब वहां देखते थे तो लग रहा था जब प्रधानमंत्री जी 2014 में चुनाव मोदी जी ने लड़ा था, प्रधानमंत्री बने तब वो बोल रहे थे कि गुजरात बना दूंगा पूरे देश को, गुजरात मॉडल के नाम से जीता, और उन्होंने वास्तव में गुजरात जैसा ही हाल कर दिया ये देख करके लग रहा है। जब हम फैक्ट्रियों में काम पे लगे थे हम 2010 में, तब कांग्रेस की सरकार थी, तब अखबारों में बड़े बड़े अक्षरों में हेडिंग आया करता था कि अब यहां मिलेगा, राजस्थान के युवाओं को मिलेगा रोजगार, अब यहां बेरोजगार नहीं रहेगा। जब डीएमआरसी का कॉरिडोर बन रहा था, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बन रहा था, तब जापानी जोन कोरियन जोन के नाम से दो अलग अलग जोन बनाए गए, जब वहां फैक्ट्रियां आई तो वहां के किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला जो जमीन वहां के लोग किसानों को दी गई, और जो गरीब किसानों की जमीन थी वो पहले से ही जो वो पूंजीपति किसान थे या जो लीडर टाइप के किसान थे जिनको पता था कि इधर कॉरिडोर आएगा, उन लोगों ने पहले उनको सस्ते दामों पे खरीद लिए, और जब मजदूरों का ये जब चला उस दौर में तब 2 साल तक उनको इस तरह का ट्रेनिंग पीरियड रखा कि 2 साल तक उनको 4700-4800 रुपए दिया जाएगा। जब हमारा संघर्ष शुरू हुआ तो इसी बात पे संघर्ष, लड़ाई तो इस बात पे ही शुरू हुई कि पैसा बढ़ाया जाए, नॉर्मल फैसिलिटीज मिलती रहे, मिलनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट मिलना चाहिए, खाने की व्यवस्था हो मिलनी चाहिए, और जो आसपास के गांव है उनमें रहने की ठीक तरीके से व्यवस्था नहीं थी, तो दूर तरह के जहां शहर है आसपास के वहां तक ट्रांसपोर्ट दिया जाए। तो साथ ही जिस तरह से बता रहे हैं कि सस्पेंड कर दिया जाता है, संगठन बनाने पर टर्मिनेट कर दिया जाता है, साथ ही नौकरी आती जाती रहेगी, क्या फर्क पड़ रहा है? इस संविधान को जो हमने कानून संगठन बनाने का अधिकार हासिल किया है, हमारे पूर्वजों ने इसके लिए जान की कुर्बानियां दी है, तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि नौकरी आपकी रहेगी या नहीं रहेगी, इससे ज्यादा फर्क पड़ेगा कि आपका संगठन रहेगा या नहीं रहेगा। मैं पहले भी बोल रहा था कि जब हम संगठन बनाने की प्रक्रिया में सस्पेंड हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, जब हम छोड़ के चले जाते हैं ना, तभी वो टेक्स्ट वो एक मतलब जमीन पर उतार करके देखता है कि निकालने के बाद क्या होगा, और वो डर बिठा करके भी बाकी इंडस्ट्री पे वो कब्जा करके रखता है, मजदूरों को डरा करके रखता है, इस डर के खिलाफ भी ये लड़ाई है। और जब पहली बार इस तरह से जब वन डाइकिन में जब आंदोलन शुरू हुआ तब लीडरशिप को टर्मिनेट कर दिया, सस्पेंड कर दिया, फिर भी लोग रुके रुके, लड़ाई हुई, 7 दिन का स्ट्राइक हुई 2013 में। उसके बाद जब वापस लिया गया तो उन्होंने वेज इंक्रीमेंट
एग्रीमेंट किया कि भाई हम 39 लोगों को छोड़ करके बाकी तमाम लोगों को काम पे ले लेंगे। लेकिन जब थोड़े दिन निकले, 80 दिन का जो टाइम पीरियड था इंक्वायरी का, इंक्वायरी करने के बाद जैसे ही उन्होंने लीडरशिप की, 6 लीडरों को, यूनियन के लीडरों को खरीद लिया और उनको अलग अलग जगह ट्रांसफर कर दिया, कुछ को पैसा दे दिया, यूनियन एकदम से बिखर गई और बाकी लोगों को 18-19 लोगों को उन्होंने काम पे नहीं लिया, जिनमें से मैं भी एक था। हम लोगों को टर्मिनेट कर दिया। जब टर्मिनेट कर दिया तो हम लोगों ने वहां हार नहीं मानी कि अगर एक लीडर बिक गया तो यूनियन नहीं टूट जाएगी, लीडर और आ जाएंगे। जब हम लोग आए, नई यूनियन का रजिस्ट्रेशन किया तो फिर हमारे अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी को टर्मिनेट कर दिया। तब अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी वहीं रुके, वो घर नहीं चले गए। लोगों से चंदा किया उन्होंने अपनी जीवन गुजारी के लिए, हम लोगों के लिए भी लोगों ने चंदा किया और केस फाइल किया। तो इस तरह से जब ये संघर्ष चला, जब यूनियन को रजिस्ट्रेशन हो गया 2018 में दोबारा, तब पूरी लीडरशिप को उसने ट्रांसफर कर दिया और जो मेन कार्यकर्ता थे उनको, तमाम लोगों को ट्रांसफर कर दिया। फिर भी वहां नए लीडर निकल करके आए। आज स्थिति जब 2018 में 2019 में 8 जनवरी को ऑल ट्रेड यूनियन द्वारा स्ट्राइक की कॉल की गई थी, पूरा इस बेल्ट के अंदर, एनसीआर के बेल्ट के अंदर, दिल्ली से लेकर के प्राइवेट फैक्ट्रियों में जयपुर तक एकमात्र हड़ताल करने वाली कंपनी थी तो डाइकिन थी। और पूरा निमराना में 2000 से ज्यादा के लोगों की रैली निकल करके आई। इस दौरान 7 जनवरी को घरों पे जाकर के लीडरों को और 8 जनवरी को जो पर्चा बांध रहे थे उनको कंपनी के बाउंसरों ने पीटा। सिंधे जी बोल रहे थे कि मजदूरों को वायलेंस नहीं करना चाहिए। मेरा थोड़ा इसमें अलग तरीके का विचार है। मजदूर कभी वायलेंस नहीं करता, वो वायलेंस करने की हिम्मत ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो पहले दबा कुचला है, क्या वायलेंस कर लेगा। मजदूरों पर जानबूझ के वायलेंस करवाया जाता है। अगर आपको गुंडा पीट रहा है और बोल रहा मजदूर पीट रहे हैं वहां, अब कौन किसको पीट रहा है? पर्चा बांध रहा है वो तो कोई हड़ताल में कोई बहुत बड़ा रोल नहीं निभा रहा, उसको पीट रहे हैं वहां कंपनी के गुंडों द्वारा। और जब हम रैली लेके निकले उसके बावजूद हड़ताल सफल रही, लोग उठा करके लेके, कई लोगों को ठेकेदार उठा उठा करके लेकर के गए कमरों पर, उसके बावजूद वो निकल निकल करके आ गए और कंपनी में कोई नहीं गया, हड़ताल सफल रही। तो उसको तोड़ने का पूरा एक निमरणा बेल्ट पे जो असर रहा, तो उसको एसोसिएशन ने इसको तोड़ने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर के पुलिस से लाठीचार्ज करा। रैली निकालना और झंडा लेकर के चलने के नाम पे इतना बड़ा बवाल हुआ कि हमारे अध्यक्ष सहित 3 लीडरों को और उसके साथ 17 लोगों को 56 दिन तक जमानत नहीं हुई। पुलिस ने जमानत नहीं होने दी, चार्जशीट फाइल नहीं की। हाईकोर्ट ने इस ऑर्डर को रख दिया कि अगर चार्जशीट फाइल करेगा तो हम जमानत देंगे। पुलिस बार बार एसपी कलेक्टर ये बोल रहे थे कि आप सेटलमेंट कर लो, बाकी लोगों को हड़ताल तोड़ दो और अंदर चले जाओ, हम इनकी चार्जशीट पेश कर देंगे और जमानत होने देंगे, नहीं तो इनको जिंदगी भर बाहर नहीं निकलने देंगे। 56 दिन बाद लेकिन जिस तरह से कॉन्टेक्ट और परमानेंट की एकता के साथ ये इस तरह का आंदोलन चला, लेकिन 4 महीने तक एक आर्थिक दृष्टि से टूट भी जाता है, बाहर से मजदूर आया है। ये साथी बता रहे थे कि ये 7 महीने तक इन्होंने आंदोलन को जला, लेकिन ये लोकल भी थे हमारे छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम, वहां से लोग आते हैं, तो एक आर्थिक इतना मदद कर पाना थोड़ा मुश्किल हो पा रहा था। इसलिए एक थोड़ा सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम 350 लोग अंदर घुसा पाए और 56 लोगों को सस्पेंड किया। तो 12 महीने से ज्यादा इंक्वायरी हो गई, अभी तक टर्मिनेट नहीं कर रहा, ना ही उनके ऊपर कोई इंक्वायरी चला रहा। इस बात पर एग्री कर रहा है कि आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का मुद्दा छोड़ो, हम 56 लोगों को काम पे ले लेंगे, आप तमाम लोगों को ले लेंगे। आपकी यूनियन है, यूनियन को मान्यता नहीं दे रहा, उस बात को मान्यता देने को तैयार है कि आप जो टर्मिनेट है अध्यक्ष और महासचिव उनको भूल जाओ और जो बाहर ट्रांसफर है उन लीडरों को छोड़ दो, आप अंदर से दूसरे लीडर चुन लो और आ जाओ, हम आपके साथ बात कर लेंगे। लेकिन लोगों का अभी भी जिस तरह से भरोसा की बात है, लोग बोल रहे हैं कि जो करेंगे, जो हमारे लीडर चुने रहे उनके साथ बातचीत करके और करना पड़ेगा। दूसरा मेरा एक ये कहना था साथी, जैसे ठीक ही बोल रहे थे मणिलाल जी कि यूनियन निकाल देती है, हमें भी इस तरह का एक प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहिए बाकी संगठनों को जो संगठित यूनियन चला रहे हैं, एक चंदा करके हमने जिस तरह से तैयार भी किया, कोशिश करी चलाने की, मजदूर संघर्ष समिति अलवर के नाम से पूरे अलवर क्षेत्र में एनसीआर में भिवाड़ी निमराना, यहां अगर किसी वर्कर को निकाल दिया गया तो उसका कोर्ट का खर्चा नहीं लगेगा, कोर्ट केस का खर्चा मजदूर संघर्ष समिति अलवर अपनी तरफ से पे करेगी, अगर वो उसके पास आएगा और उसकी तरफ से केस करवाना चाहेगा तो हम वकील करके देंगे और अपनी तरफ से हम जितना भी हो सकता है चंदा करके जुटाएंगे। और दूसरा ये है कि अगर कोई वर्कर किसी इंडस्ट्री से निकाल दिया
यूनियन के दौरान निकाल दिया तो उस यूनियन का जितना सहयोग होगा हम साथ में मिलकर लड़ते भी हैं, और अगर सिंगल वर्कर को निकाल दिया और अगर वो यहाँ रुक करके काम करना चाहता मजदूरों के बीच 3000 रुपए महीने के हिसाब से हमने पे किया, हमें हम देते हैं मजदूर संघर्ष समिति से देते हैं। इसमें डाइकिन और होंडा की पहल रही है। मेरा नाम अनीता है, जैसे सर ने भी बताया, और मैं बहुत दूर से आई हूँ गुड़गांव से, और आप लोगों से बहुत कुछ सीखना भी है, और कुछ चीजें हैं जो यहाँ सुबह से चर्चा चल रहा है, लेकिन कहीं भी मुझे महिलाओं से रिलेटेड कुछ चीजें बाहर निकल करके नहीं आई। मुझे लगता है कि हम सब कहीं ना कहीं संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो जो मुद्दा हम छोड़ रहे हैं पीछे महिलाओं को, क्योंकि हमारा संविधान कहते हैं कि महिला पुरुष दोनों बराबर हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं भी वो बराबरी वाला चीज मुझे दिखा नहीं। भले हम एक साथ बैठे, एक साइड पुरुष बैठे, एक साइड महिला बैठी है, लेकिन जो भेदभाव वाली बातें वो कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है। और सॉरी, सुबह से बहुत सारी लड़ाइयाँ, बहुत सारी जीत, उसके ऊपर हमने बात सुनी, उस पर मेरे 4 लाइन का स्लोगन है, लड़ना है भाई अभी लंबी लड़ाई है, लड़ना है भाई ये तो लंबी लड़ाई है, जीतने के वास्ते मसाल ये जलाई है, जीतने के वास्ते मसाल ये जलाई है, अपना भी वक्त कभी इंकलाब लाएगा, जुल्म को मिटाएगा और इंसाफ लाएगा। थैंक यू। और जैसे मैंने सुबह भी पूछा था जब राहुल जी का सेशन चल रहा था कि क्या यहाँ पे महिलाओं से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई कमेटी है या नहीं, तो ये आया कि, और मैंने बात भी कर रही थी लंच के टाइम पे, तो ये पता चला कि यहाँ पे किसी तरह का कोई कमेटी नहीं है जहाँ पे महिलाओं की कोई भी शिकायत सुनी जा सकती हो। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारी बहन है गारमेंट इंडस्ट्री या किसी भी जगह पे काम करती है, तो जो यौन उत्पीड़न सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस की बात हो रहा था सुबह में, उसमें ये है कि अगर हम किसी भी जगह पे अगर 10 महिला है वहाँ पे, जो हमारी गवर्नमेंट है जो अभी 2013 में कानून पास हुआ, तो उसमें सरकार का ये था कि किसी भी जगह पे अगर 10 महिलाएं काम कर रही है तो वहाँ पे इस कमेटी का गठन होना अनिवार्य है। अगर आप लोग जहाँ भी काम करते हो, अगर 10 साथी है महिला, आप वहाँ पे इस कमेटी के लिए आवाज उठा सकते हैं कि हाँ इस तरह की कमेटी हो जहाँ पे महिलाओं के साथ अगर कुछ होता है तो वो अपनी बात वहाँ पे रख सके। उसमें क्या है कि 50-50% है, 50% पुरुष भी होते हैं, 50% महिला होती है, लेकिन उस कमेटी का सबसे बड़ी बात ये है कि जो भी उसका प्रेसिडेंट होता है वो महिला होती है, और उसमें 1% होता है जो एनजीओ से होता है, दूसरा जो होता है वकील होता है, और हमारे जहाँ पे आप लोग काम करते हो कंपनी के ही वर्कर्स महिला साथी उसमें भागीदारी लेती है। तो अगर आप लोग जहाँ भी काम करते हैं अगर इस तरह का कोई कमेटी नहीं है तो आप प्लीज उसके लिए आप अपने अपने काम कार्यस्थल पे इसके लिए आवाज उठाए और कमेटी का गठन करें। इसके साथ साथ कमेटियां दो तरह की होती है, जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे दो तरह की कमेटी है। पहला कि तो हो गया आपकी इंडस्ट्री एरिया जहाँ पे हम कार्य काम करते हैं वहाँ पे, उसको बोलते हैं आंतरिक शिकायत समिति, शॉर्ट में बोले तो ICC, वो हमारे कार्यस्थल पे होता है। दूसरा होता है LCC, स्थानीय शिकायत समिति, ये होते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। अगर यहाँ पे इस तरह का कोई कमेटी नहीं है, इसके लिए आप जो जिला मजिस्ट्रेट होता है उसको आप अप्रोच कर सकते हैं कि यहाँ पे इस तरह की कमेटी का गठन किया जाए। उसमें क्या है, जो LCC है स्थानीय शिकायत समिति, उसमें दोनों तरह के वर्कर्स जा सकते हैं, चाहे वो असंगठित हो या संगठित हो, उसमें दोनों ही महिला अपनी जा करके वहाँ पे कंप्लेन कर सकती है। तो मुझे लग रहा था कि ये सवाल मुझे यहाँ पे बताना चाहिए लोगों को, क्योंकि बहुत सारी सुबह से भी हमने देखा जो रिपोर्ट राहुल जी दिखा रहे थे उसमें काफी सारी महिलाओं की भागीदारी थी, लेकिन जो सर्वे हुआ इन लोगों का उसमें कहीं भी मतलब किसी तरह का कोई केस का नहीं आया कि कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो तो महिला कहीं भी जा सके कर सके। अभी एक साथी से बात ही हो रहा था तो पता चला कि महिलाएं आती नहीं, कोई केस ही नहीं आता। जब हम लोग जैसे लोग अगर उनसे पूछेंगे नहीं तो महिला अपने आप नहीं बताएंगी, क्योंकि एक हमारे समाज का जो ठप्पा लगा रहता है महिलाओं के ऊपर कि आप ही घर की इज्जत हो, और अगर आपने कुछ बोल दिया तो हमारी इज्जत चली जाएगी, इस वजह से महिला जल्दी बोलती नहीं है। पहला ये है
थोड़ा सा बताऊंगी कि मेरा संगठन जो है महिला गुड़गांव महिला कामगार संगठन 2012 से गुड़गांव में महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं और हमारे जो संगठन है वो दो तरह के वर्कर्स के साथ काम करता है। पहला जो गारमेंट फैक्ट्री है जहाँ पे कपड़ा उद्योग है पूरा उसमें काम करते हैं उनके साथ, वहाँ पे बहुत सारी महिला पुरुष सब एक साथ काम करते हैं। इसके साथ साथ जो डोमेस्टिक वर्कर्स है, जो सुनील जी ने भी सुबह में बात की आप लोगों से दूसरे वाले सत्र में कि डोमेस्टिक वर्कर्स जो अलग अलग राज्य से आते हैं और यहाँ पे घरों में जाके काम करते हैं, तो उनके साथ उनकी बहुत दोनों के साथ दोनों की प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, और सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। और एक संगठित होने की बात हो रही थी, मुझे लगता है कि जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमारा काम पूरा होने वाला नहीं है। जो भी हमारी मांगे हैं, जब तक हम, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग है उनकी एक कहावत थी, एक डंडा है उसे कोई भी तोड़ देगा, लेकिन जब वो डंडा पांचों डंडे को जब हम मिला देते हैं तो तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, किसी के पास की बात नहीं होती है या टूटता है, टूट जाता है क्या अगर पांचों डंडे को ऐसे मोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि आप सभी को, देखिए जरूरी नहीं है कि जैसे सुबह में बात हो रहा था कि यूनियन बनाना यानी फाइट करना ही है। यूनियन दो तरह के होते हैं, एक कार्यस्थल के अंदर, दूसरा यूनियन होता है कि अपने आप में एकता होना। अगर किसी साथी के साथ में अगर कोई घटना होती है तो हम 10-20 जितने भी हैं सब इकट्ठा हो जाए, वो आपकी अपनी एक अलग यूनियन है। उसके लिए ना तो कोई मैनेजमेंट बोल सकता है ना कोई सुपरवाइजर आपको बोल सकता है, क्योंकि वो आपकी आपसी एकता है जिसकी वजह से आप खड़े हुए हैं। और कितना तो निकालेगा कोई, गुड़गांव में भी बहुत सारा चल रहा है कंपनियों में निकालना, उनको छटने करना, काम के काम नहीं है ये बोल करके हटाना, लेकिन लोग हारे नहीं है, ये नहीं सोचे हैं कि हाँ मैं यूनियन से हूँ मैंने वहां पर जाके बोल दिया मुझे निकाल दिया, नहीं, वो अपनी लड़ाई को जारी किए हैं, यहाँ नहीं दूसरी जगह काम पकड़ेंगे, लेकिन जो अपनी लड़ाई है जो हमारी मांगे हैं उसको हम लेके रहेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे।